जी बाबा जी, आप जी का नाम और बाबा जी आप जी ने जो कंगन घाट आज उद्घाटन होया गुरुद्वारे साहब का, आप जी ने सेवा कद तो प्रारंभ की? मेरे नाम बारे तो कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं, ये जो संपर्दा पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाले जिन्हें का पिछोकड़ संत बाबा गुरमुख सिंह जी कार सेवा वाले से, उन्होंने बाद पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी जिन्होंने दिल्ली वाले करके कहा जाता है, उन्होंने ये कार सेवा जी तख्त पटना साहब की कमेटी ने सब तो पहला 1980 के उस वक्त के प्रधान जसवंत सिंह कोछर लियाए सन, तो आए इसे मकसद ना था भी कंगन घाट का स्थान बनाया जाए, और उस वक्त कंगन घाट जो स्थान से उत्थे थोड़ी जी जगह थी जी अज भी मौजूद है, जिसे ज्यादा तो ज्यादा तो जगह जी है कोई 12 फुट लंबी है 5 फुट चौड़ी, तो वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश से, लेकिन थले जी सी इतों की जो पब्लिक लोकल से उन्होंने निके निके मंदिर बने हुए सर, मूर्तियां रखी हुई सर, इस करके वह स्थान नहीं बन सके। उस वक्त की कमेटी ने बाबा जी ने दी गऊ घाट की सेवा दी, उस वे भी सेवा होने वाली सी, जिस वे गऊ घाट की बिल्डिंग बनद्या बनद 80 से 84 के दरम्यान वो बिल्डिंग बनी, वो गुरु के बाग का तालाब बनया, बन तो बाद 84 का जरा सी पंजाब का दुखांत हो गया ब्लू स्टार का, उस तो बाद बाबा जी कुछ सेवा जो बाकी रही थी, प्रकाश नहीं थी उस तक गऊ घाट, बाबा जी छड़ के वापस दिल्ली चले गए थे, और उस सेवा मुकम्मल करने के लिए बाबा करतार सिंह जी ठठे वाले उन्होंने उसने बाद मुकम्मल किया, उस तो बाद समा अपनी चाल ना लंघता गया, तो 1996 पटना साहब की प्रबंधक कमेटी जिस वे उसके प्रधान मौजूदा MP सुरेंद्रजीत सिंह आलूवालिया सन, इतों के जो जनरल सकत्र सन ढिल्लों परिवार चो तजेंद्रजीत सिंह जी ढिल्लों और सारे मैंबर ने बाबा जी ने कहा कि बाबा जी तख्त पटना साहब की जी सेवा है वो ढूंढ वाली है, मेन गेट जो है उसे दुकाना ने अगे अंदर कोई गड्डी भी नहीं जा सकती, तो उस वक्त फिर बाबा जी ने 1996 हाँ की सेवा की, गुरपुरब के दौरान दिसंबर के महीने जिते आए थे 97 फरवरी जिते सेवा शुरू हो गई, तो इतने आके फिर बाबा जी ने जो दुकाना सन इतों के लोकल लोगों के सहयोग न उन्होंने उस वक्त का जो समय का मुआवजा से कुछ दिता खाली करवा के वह बिल्डिंगों ढाया, वो एक मकान से उन्होंने मुल भी लेना पे लैके ये जी गेट जी अज दर्शनी जोड़ी है पटना साहब की बनी तोर तक रस्ता बनया, पर कंगन घाट जी सी मजे मसला से कंगन घाट का, तो उस वक्त जो इतों के लोकल लोग से जिन्हों को घाट के उगले पास उच्चे उच्चे अज भी उत्ते बने हुए ने गोदाम, उन्होंने लोगों ने गलबात की लेकिन वो किसी तरीके से भी राजी नहीं सर भी इस जगह देने वास्ते, तो इस तरह वो दरम्यान फिर बाबा जी ने हांडी साहब गुरुद्वारे की सेवा शुरू हुई वो बनाया, बाकी काम चलता रहा, उस तो बाद कमेटी ने सराहां कही बनाओ साल सराय जौहरी निवास बनया, गुरु तेग बहादुर निवास बनया, लंगर हाल बनया, मोदी खाना बनया, मीरी पीरी का स्थान बनया, हाल कमरे बने, गुरु तेग बहादुर NIR निवास बनया, और जिते जिते बाबा जी ने बाहर सेवा कमेटी ने संभालिया सासाराम गुरु तेग बहादुर साहब के दो स्थान वो बने, लक्ष्मीपुर बनया गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान, तो इन्होंने दरम्यान के कंगन घाटे भी जदोजहद जारी रही, पर उन्होंने दिनों के सतगुरु की कृपा के नाल 2000 संत सरदार बूटा सिंह जी जिहड़े सन इत्थे दे गवर्नर आ गए, बाबा हरबंस सिंह जी उन्होंने बड़ा प्रेम से दिल्ली जन लिया, बाबा जी ने कहा सरदार जी मेन मकसद इतने भी कंगन घाट जो साडा स्थान है वो बनने वाला बकाया रहा है, वो कहना बाबा जी मेरा कंगन घाट का नहीं तुहाडा जिहड़ा गुरुद्वारा बाल लीला वो भी तो कोठी नवा बनया है, तो बाबा जी कहिंदे वी गुरुद्वारा बाल लीला कोठी नवा बनया पर हरिद्वार वाले महंता को उन्होंने कहा यह मेरा काम है, उन्होंने महंता कह के क्या भी गुरुद्वारा सानू बनाने दिता जाए, तो बाबा जी ने महंता ने वह गुरुद्वारे की सेवा दी, और बाबा जी ने जरा बाल लीला उस गुरुद्वारे की इमारत में नवे सिरे तो कुछ पुरातन रख के उस नवे सिरे तो फिर बना के जरा उन्होंने महंता संभाल दी। अच्छा बाबा जी जरा मुंगेर गुरुद्वारा साहब पहला कंगन घाट जिता पहला होगा। अच्छा जी उस तो बाद बाबा जी उन्होंने सरदार जी ने कहा सरदार जी ने सानू सारे अपने DM सद के 4 एकड़ जगह लैके दी रिलीज की 2 एकड़ सारण जिले चो 2 एकड़ वैशाली चो वो जगह लैन तो बाद जो कागज से लीज से लिखे गए बाबा जी ने अपने को उस वक्त कमेटी साड़ी कमीशन जी सी बिल्कुल नाम आता सी पटना साहब के हालात ही ऐसे संगत बहुत घट आती थी ओवर ड्राफ्ट भी कई बार काम चलता हूँ तो जगह लैके तक सब के नाम बाबा जी ने लवाई और लीज से लेती उस तो बाद समा चलता गया अभी कोशिश की भी साड़ी जगह जी सू मिल चुकी है इस तो अभी DM मिले अफसर मिले बे खाली हो तो अभी तो कंगन घाट भी बनाइए
सरदार बूटा सिंह भी उस वक्त एक मास्टर प्लान बना के साडा इत्थे कोतवाली जिहड़ी सी सामने बिल्डिंगां सी इन्हां नूं लै के कंगन घाट बनाउण वास्ते पूरा नक्शा बना लिया और 4.25 करोड़ उन्होंने उसका सैक्शन भी कर दिता सी इह सरकारी जगह छडाउण लई। लेकिन सतगुरु नहीं सी पाउंदा, उह अपनी गवर्नी तों इत्थों जिहड़ा सी बरखास्त हो के वापस चले गए। उस तों बाद असीं जांदे तां जगह लैण नूं जिहड़े साडे इत्थों दे लोकल मैंबर सन उह वी साडे नाल चलदे सन, प्रधान भी चलदे सन, रोमाणा साहिब आए हो आए कई प्रधान इत्थे हो के गए, लेकिन वह साढ़े कोई सिरे नहीं चढ़ सकिया। जो जाते सर लोगों लोग गन पॉइंट में गल करते सन, पर अभी इन्नी पावर है नहीं समझा कि इन्होंने गन पॉइंट के उत्ते जाके कोई अपना काम कर सके। उस तो बाद सतगुरु की कृपा ऐसी हुई है, 350 साल का पुरब आ गया, सतगुरु का प्रशाद प्रकाश उत्सव। उन्होंने दिनों के सतगुरु ने पता नहीं की कौतक वरताया, इतों के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को सतगुरु ने इन्नी मेहर की, मन ही बन गया गुरु गोबिंद सिंह का, मेरा ही उस्ताद गुरु गोबिंद सिंह मेरा ही गुरु है, सारे सिखा का भी गुरु है। मैं इस जरा दिन 350 साल बड़ी प्रेम भावना श्रद्धा ना मना, और जो उसने मनाया वो सारी दुनिया के सामने में। तो उन्होंने दिनों के जी सा जगह सरदार बूटा सिंह जो बीज बीज गए थे जगह दे गए सन, उस जगह उन्होंने खाली करा के उत्ते एक तो बनाया अपना जरा सी टूरिज्म विभाग की बड़ी वीडी बिल्डिंग, वो जी बिल्डिंग थी 5 जनवरी 2017 350 साल मनाया गया। जी बाकी जगह पई थी उन्होंने सानू उन्होंने कंगन घाट के वास्ते जगह रिलीज की, तुम इतने गुरु का स्थान जरा है कंगन घाट है, सारा एरिया ही घाट का है, घाट कोई एक नहीं भाई एक कमरे का ना ही घाट है, कोई 2 किलोमीटर एनू 2 किलोमीटर एनू सारे कंगन घाट का ना ही दिता जाए। तो इस घाट के उत्ते गुरु साहब ने पता नहीं 4.5 साल की कौतक किए, ये तो सतगुरु ही जानते हैं। तो उस वक्त वे सानू जगह दिती गई, और विसाखी वाले दिन गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इलाके की संगत बाहरों आई संगत ने इस जगह के उत्ते टक ला के कंगन घाट की सेवा जी शुरू की। पर इतने उत्ते इस वक्त पानी थी 18 18 फुट दरिया का खड़ा थले, वो कुछ 1500 1600 ट्राली जी की मिट्टी की पवाई गई, पा के फिर पायलिंग कराई, पायलिंग कराने तो बाद जमीन से बन्न वास्ते कोई 80 टन सरिया ला के 1.5 2 फुट मोटा जी 1.5 फुट मोटा बैड पाया, बैड पाने बाद गुरुद्वारे की जी थी जो कालम से खड़े किए गए, 6 फुट फिर उन्होंने होर उच्चा चुकया गया, वो फिर भर्ती पा के फिर वो लेंटर पा के बिल्डिंग जी बनी सी। वो जो अप्रैल 2017 तो शुरू हो के अज 30 दिसंबर 2019 सतगुरु की कृपा ना इलाके की संगत की कृपा ना सारे प्रबंधक कमेटी के सहयोग ना अज वो स्थान जरा सी जो बाबा हरबंस सिंह जी 40 साल तो अपना मिशन लैके 1980 आए सन, अज सतगुरु ने अपनी बख्शिश करके उसने कंप्लीट किया, और अज कंगन घाट के कोई इमारत बन के सतगुरु की दया ना उसे प्रकाश होया है, सारिया संगत उसे नमस्ते कही ने और अगों हो रही ने। सतगुरु मेहर करे इस तरह ही पटना साहब के अभी एक स्थान गुरु नानक साहब का होर बाकी रहा है जो सनाट टोली के उम्मीद रखने कि असी अगले हफ्ते उस स्थान भी सतगुरु का जरा है उसको नवे तरीके शुरू करके बनाने की कोशिश करा। वाहेगुरु जी का खालसा। बाबा जी एक सवाल पूछना सी, जो आर्किटेक्ट जो कंगन की शेप का किया वे यह कि आइडिया सी? आर्किटेक्ट का मसला यही है, दास मेरा ना है, मैं बाबा जी को आया मैं 50 साल तो उपर हो चुके ने, मैं उन्होंने कोम करता आया वहां जिस वे गोदावरी का पुल हजूर साहब बजा की शिकार घाट सामना जिस वे साडे मुखी बाबा जीवन सिंह सन उन्होंने कोम किया। उस तो बाद बड़ी थां थां ड्यूटियां अमृतसर च रही 73 पौंटा साहब हर जगह से मैं ड्यूटियां कीतियां, वो जिहड़ियां बिल्डिंगां जिहड़ियां सी सानू पता ही है गुरुद्वारे की किस शेप की बनाउणी है, इहो जिहियां बिल्डिंगां सी दमदमा साहब भी बनाईयां, अच्छा दमदमा साहब भी बाबा जी देख रेख थले होर जगह से बनाईयां, तो इस करके उत्थे बाबा दीप सिंह का जिहड़ा मुनारा तखत दमसमा साहब वो भी 8 पहलू बनाया। तो मन च विचार आई भी इतने गुरु साहब ने कंगन जिहड़ा सी हत्थों सिटिया सी कंगन गोल हुंदा, असीं उस कंगन घर दे नेड़े इस नक्शे नूं जिहड़ा सी अपने तरीके से लीकां वाह के जिहड़ा साडा मिस्त्री तुहानूं कहा वी सानूं इस तरीके नाल इह नक्शे दीआं लीकां मार दे, और उस तों बाद असीं उस नूं हुण बाबा जी अगला कदम आप जी का की है, क्योंकि आप जी दे देखो मैं समझदी हां जो तुहाडे संतां ने महापुरशां ने पहले जेडे चल रहे सी बाबा हरबंस सिंह जी उन्हां दा सपना अज दे युग च जो तुसी असली जो है शिष्य तुसी लोग हैगे उहनां दे जो सपना बाबा जी पूरा करन वास्ते 40 साल लग गए मगर तुसी पूरा करके ही पिछे हटे हो, उह तां गुरु महाराज दी कृपा ते हुंदी ही है मगर तुसी जो है लक्ष्य पूरा किता, हुण अगला लक्ष्य असी के समझिए? कुछ भी पूरा करन वाले नहीं है, बिल्कुल गलत गल है। हां जी ए कलगीधर पातशाह पूरा करन वाला है, एक बाजा पिया हुंदा है उस बाजे नूं रख दो स्टेज दे उत्ते तो वजदा नहीं,
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ? ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਵਿਧਾਨ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਬਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਨ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨਾਰ ਟੋਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਏ ਘਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਭਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਜੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੁਨਾਰ ਟੋਲੀ ਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਾ ਜਾਂ ਟੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਾਫਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਲਾਲ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਕਰਾਈ ਜੋਹਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋਹਰੀ ਉਹ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਤੋ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਉਸ ਲਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਤੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਲਸਰਾ ਜੋਹਰੀ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਧੂਬਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਮ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਉੜੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਾਡਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 10-15-20 ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-6 ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮੱਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕੜਿਆਲਾ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਟਾਂਡੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿਆਸੀ ਰਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 2 ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, 6ਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 12-14 ਕਮਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੇਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਕਰਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ, ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਟੋਕਰੀ ਡੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੂ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੌਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੰਮਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਲੋਕ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ।